हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल एनकोडर। तो देखेंगे हम ऑप्टिकल एनकोडर क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमारा ऑप्टिकल एनकोडर है जो हमारा सब्जेक्ट सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का अगला टॉपिक है ऑप्टिकल एनकोडर। ऑप्टिकल एनकोडर तो कैसे ऑप्टिकल एनकोडर वर्क करता है वो आज हम देखेंगे। बिकॉज ऑप्टिकल जो एनकोडर की हम बात करें तो ये हमारा जो है डिजिटल ट्रांसड्यूसर है जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एनकोडर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोड डिस्क है, ठीक है, कोड डिस्क। ये जो है कोड डिस्क है, ठीक, इसमें ये स्लिट्स बने हुए हैं ये भी यहाँ पे, ये स्लिट्स हैं, ये बेसिकली स्लिट्स यानी होल। तो ये होल यहाँ पे हैं इस कोड डिस्क में, ये होल बने हुए हैं इसमें, ठीक है। अब इस कोड डिस्क में जो है यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ये तो हमारा अभी कोड डिस्क हुआ, ठीक, यहाँ पे जो है ये एंड दिस वन एंड सिग्नल आउटपुट, ये हो गया एंड दिस वन इज फोटो सेंसर, दिस वन इज फोटो सेंसर एंड दिस वन This one is LED source, okay, and this one is photo sensor, this is output, and this window is basically hole, transparent window, इसको बोलते हैं transparent window। ओके, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लिट्स। और ये हमारा क्या है, कोड डिस्क, ओके। तो ये है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर। ऑप्टिकल एनकोडर, ओके, एंड यहाँ पे जो वेवफॉर्म आएगी हमारे पास, आउटपुट वेवफॉर्म तो इस तरह होगी, दिस वन,
एंड दिस वन ओके एंड दिस वन इस तरह वेव फॉर्म हमें जो है जनरेट होगी। ये टाइम टी है और ये आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। तो ये वेव फॉर्म हमें इस तरह मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एनकोडर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो कोड डिस्क है। कोड डिस्क में हमारे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड डिस्क है ये दिस वन। एंड कोड डिस्क में जो आप देख रहे हैं कि बना क्या हुआ है, यहाँ पे स्लिट्स हैं। बेसिकली स्लिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। तो होल या स्लिट्स हैं। तो ये हमारा एक कोड डिस्क है, इसमें स्लिट्स होते हैं यानी कि होल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो यानी स्लिट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, स्लिट्स हो गई। और बेसिकली स्लिट्स को हम क्या बोलते हैं, होल होते हैं यानी ट्रांसपेरेंट विंडो। यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं हम एंड फोटो सेंसर, दिस वन इज फोटो सेंसर। एलईडी सोर्स से यहाँ से लाइट जो है पास करेगी हमारी स्लिट्स या होल से, तो वो फोटो सेंसर पे क्या करेगा, उस लाइट को डिटेक्ट करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो बेसिकली हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये डिजिटल में आउटपुट मिलेगा कि जो भी वेब फॉर्म जनरेट हो रहा है, तो फोटो सेंसर क्या करेगा, उसको पल्स सिग्नल में जनरेट कर देगा, ठीक है। तो जितनी भी पल्सेस पास होंगी ये होल से स्लिट्स इसीलिए बने गए, होल से पास होंगी। और यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ से कोई भी आपका क्या है, लाइट सोर्स पास नहीं होगा यानी वहाँ से कोई भी पल्सेस पास नहीं होंगी। तो ऑप्टिकल जो एनकोडर है, ये जो ऑप्टिकल एनकोडर बनता कैसे है, ऑप्टिकल एनकोडर इज कंपोज्ड ऑफ ए लाइट इमिटिंग डिवाइस, फोटो सेंसर एंड अ डिस्क कॉल्ड अ वी कोड व्हील विथ स्लिट्स होल इन द रेडियल डायरेक्शन एंड डिटेक्ट्स रोटेशनल पोजिशन इन्फॉर्मेशन एज एन ऑप्टिकल पल्स सिग्नल। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिकल एनकोडर कैसे हम बनता है, तो ऑप्टिकल एनकोडर बनने जो है कंपोज हम कैसे कर सकते हैं, एक तो लाइट इमिटिंग डिवाइस हो गया, एलईडी सोर्स हो गया जो हमारा, एंड फोटो सेंसर हो गया, और ये डिस्क है जिसको हम बोल रहे हैं कोड डिस्क, ओके। डिस्क कॉल्ड इज कोड डिस्क या कोड व्हील, जिसमें क्या है, स्लिट्स हैं। दिस वन इज स्लिट्स यानी होल्स, ट्रांसपेरेंट विंडो ओके, या स्लिट्स, वो क्या होंगे, रेडियल डायरेक्शन में होंगे। एंड ये डिटेक्ट्स करेगा, यहाँ पे क्या डिटेक्ट हो रहा है, रोटेशनल पोजीशन इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑप्टिकल पल्स सिग्नल की तरह है। तो यहाँ पे जो डिटेक्ट हो रहा है वो फोटो सेंसर के द्वारा हो रहा है, जितनी भी, क्योंकि ये जो हमारा है कोड व्हील या हम कोड डिस्क बोलें, ये क्या है, रोटेट करता रहेगा। ये क्या होगा, रोटेट करता रहेगा। तो जो लाइट है हमारी एलईडी सोर्स वो पास करेगी, जब इस पे पड़ेगी स्लिट या होल पे तो वहाँ से पास करेगी, अदरवाइज ब्लैंक पे पड़ेगा तो वहाँ से कोई भी पास नहीं होगा। उसको फोटो सेंसर डिटेक्ट करके सिग्नल में, ऑप्टिकल पल्स सिग्नल में जनरेट कर दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रोटेशनल पोजीशन इन्फॉर्मेशन है वो क्या, ऑप्टिकल पल्स सिग्नल है। तो जब कोड व्हील, व्हेन अ कोड व्हील अटैच टू अ रोटेटिंग शाफ्ट सच एज मोटर, यानी ये जो हमारा कोड व्हील या कोड डिस्क हम बात करें, ये जो है इसको जब हम अटैच करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट जो कि रोटेट कर रहा होगा, तभी तो ये रोटेट होगा हमारा। रोटेटिंग शाफ्ट मीन्स हो गया जैसे मोटर है, तो मोटर रोटेट करेगा, तो जो ऑप्टिकल पल्स है वो जनरेट होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा कि वेदर लाइट इमिटेड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइट इमिटिंग एलिमेंट पासिस थ्रू अ स्लिट ऑफ द कोड व्हील और नॉट। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो रोटेटिंग शाफ्ट की हम बात कर रहे हैं, रोटेटिंग शाफ्ट हमारा क्या होगा, मोटर। तो वो जब हमारा रोटेटिंग शाफ्ट यानी कि मोटर रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये कोड व्हील रोटेट करेगा, बिकॉज कोड व्हील किससे अटैच है, हमारा मोटर से। तो रोटेटिंग शाफ्ट मींस यानी मोटर, और मोटर से हमारा अटैच है कोड व्हील। तो जैसे मोटर रोटेट करेगा तो ये हमारा क्या होगा, कोड व्हील यानी कोड डिस्क रोटेट करेगा।
अब ये क्या करेगा, ऑप्टिकल पल्स जनरेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है तो वो इमिट हो रही है, एक फिक्स लाइट इमिटिंग एलिमेंट हो गया, यानी यहाँ से कोई भी लाइट जो है यहाँ से क्या हो रही है, इमिट हो रही है। देन ये रोटेट कर रहा है, तो जब स्लिट से पास करेगी लाइट तो पल्स जनरेट होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंसर उसको डिटेक्ट करके पल्स में जनरेट कर देगा, और जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ से पास नहीं होगी, तो उसको फोटो सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि लाइट पास नहीं होगी तो वो पल्स में जनरेट नहीं होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी लाइट यहाँ से पास हो रही है, स्लिट से या होल से, ठीक है। फोटो सेंसर डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल पल्स और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड आउटपुट हमें मिलता है। तो बेसिकली फोटो सेंसर क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है ऑप्टिकल पल्स को बेसिकली। तो फोटो सेंसर का काम क्या है यहाँ पे, फोटो सेंसर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है जो भी ऑप्टिकल पल्स है बेसिकली, यानी यहाँ से जो लाइट से आ रही है पल्स, उसको डिटेक्ट कर रहा है एंड उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड आउटपुट। बेसिकली दिस आउटपुट सिग्नल आपका ये भी है, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा आउटपुट सिग्नल दिस फॉर्म में मिल रहा है। तो ये तो था हमारा कि इसमें कैसे बनता है। अब जो ऑप्टिकल एनकोडर है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, ऑप्टिकल एनकोडर को क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। वो डिपेंड करता है नेचर एंड मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द आउटपुट। तो देन ऑप्टिकल एनकोडर कैन बी classified into two categories, okay, depending on the nature and method of interpretation of the आउटपुट। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिकल एनकोडर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, वो डिपेंड करता है नेचर एंड मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन आउटपुट का, ओके। नंबर वन इंक्रीमेंटल, एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट। तो इंक्रीमेंटल एनकोडर एंड एब्सोल्यूट एनकोडर दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल एनकोडर क्या होता है, ओके। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंटल एनकोडर क्या होता है। तो इंक्रीमेंटल एनकोडर की हम बात करें तो इंक्रीमेंटल एनकोडर बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इन दिस एनकोडर आउटपुट इज अ पल्स सिग्नल दैट इज जनरेटेड व्हेन द ट्रांसड्यूसर डिस्क रोटेट एज अ रिजल्ट ऑफ द मोशन दैट इज बीइंग मेजर्ड। तो इस एनकोडर में क्या है कि जो आउटपुट पल्स है, आउटपुट पल्स सिग्नल कब जनरेट होता है, तो आउटपुट पल्स सिग्नल जनरेट होता है जब ट्रांसड्यूसर जो डिस्क है मैंने अभी बताया था दिस वन, ओके, तो आउटपुट जो है वो पल्स सिग्नल होगा, ओके, दैट इज आउटपुट इज पल्स सिग्नल। आउटपुट क्या होगा, पल्स सिग्नल, और वो कब जनरेट होगा, जब ट्रांसड्यूसर डिस्क रोटेट करती है, ठीक है। जो मोशन है बेसिकली ये शाफ्ट से अटैच्ड है
और वो शैफ्ट हमारा क्या, मोटर, मोटर रोटेट करेगा तो ये हमारी डिस्क भी क्या होगी, रोटेट करेगी। बेसिकली डिस्क रोटेट होगी तो जो हम कॉन्टेक्ट जिसको मेजर करना चाह रहे हैं तो वो मेजर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से जो भी पल्स पास होगी वो इस पे पड़ेगी होल पे तो वो पास हो जाएगी, और होल पे नहीं रहेगी स्लिट्स पे तो वो पास नहीं होगी। तो बाय काउंटिंग पल्स और बाय टाइमिंग द पल्स विड्थ यूजिंग अ क्लॉक सिग्नल, ओके, तो कोई भी हमें पता है कि जो भी हम काउंटिंग कर रहे हैं, काउंट हो रहे हैं पल्सेस बेसिकली काउंटर के द्वारा होती हैं, तो बाय काउंटिंग पल्स और बाय टाइमिंग द पल्स विड्थ, ठीक है, तो काउंट हम कर रहे हैं पल्स कितनी पल्सेस पास हो रही हैं, या जो टाइमिंग है पल्स विड्थ का उसमें यूज हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक सिग्नल बेसिकली, क्योंकि कोई भी हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तब हम काउंट कर पाते हैं कितनी पल्सेस पास हो रही हैं या टाइम उसका कितना पल्स विड्थ है बेसिकली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि काउंटिंग हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पल्सेस, और वो किसके द्वारा है कि क्लॉक सिग्नल हमने दे दिया तो कितनी क्लॉक्स वहाँ से पास हो रही हैं, यानी बेसिकली यहाँ से कितनी जो है सिग्नल पास होंगे उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पल्स एंड या पल्स विड्थ। बेसिकली जो भी पास होगा तो वो काउंटर के द्वारा काउंट करते हैं कि क्लॉक सिग्नल जो हम देते हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड, यानी हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी हम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितनी नंबर ऑफ जो पल्सेस से पास हो रही हैं, जब ये रोटेट कर रहा है तो पास होते जा रही हैं, ये रोटेट करता जाएगा, जब स्लिट्स पे पड़ेगा होल पे तो पास होंगे, दैट इज काउंटिंग पल्सेस या पल्स विड्थ, और वो हम लोग क्लॉक सिग्नल के द्वारा करते हैं, क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं, एंड दोनों ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है किसके रिस्पेक्ट में, सम रेफरेंस पॉइंट जो डिस्प्ले होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेंड विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट ऑन द डिस्क, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमें जो मिल रहा है किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया है ये, तो हमें तो नहीं पता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए अगर हम ये कोड डिस्क या कोड व्हील है ये रोटेट कर रहा है, ये अटैच्ड है क्योंकि हमारा रोटेटिंग शाफ्ट से, और रोटेटिंग शाफ्ट हमारा क्या मोटर, मोटर रोटेट करेगा तो रोटेट करता जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे कहाँ से स्टार्ट नहीं किए थे। तो हम एक रेफरेंस लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली हमने मान लिया कि ये एक रेफरेंस, हमने क्या मान लिया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया डिस्क पे, वो है रेफरेंस पॉइंट ये, सपोज दैट मान लीजिए यही है या सपोज दैट यही है। अब उसके बाद जो ये रोटेट कर रहा है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या आपका एंगुलर वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक रेफरेंस वो मान लिया यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट डिस्क पे, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, कोई रेफरेंस पॉइंट जो हमने डिस्क पे एग्जूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि डिस्क पे एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, और वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट होगा उसके द्वारा, और पोजीशन कहाँ पे डिस्क की लोकेशन। तो बेसिकली हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उससे हमें क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, वो किसके रिस्पेक्ट में कि हमें कोई एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेना होगा डिस्क पे, और वो इंडिकेट करेगा किसके द्वारा एक रेफरेंस पल्स जनरेट होगी बेसिकली, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो रेफरेंस पल्स जनरेट होगी, और वो जो रेफरेंस पल्स जनरेट होगी वो लोकेशन होगा डिस्क पे। तो ये था हमारा जो है इंक्रीमेंटल पहला एनकोडर पहले टाइप का। दूसरा जो है एनकोडर हमारा वो क्या होता है एब्सोल्यूट, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट हम देखते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है बेसिकली। एब्सोल्यूट एनकोडर, एन एब्सोल्यूट एनकोडर हैज मैनी पल्स ट्रैक ऑन इट्स ट्रांसड्यूसर डिस्क, ओके। इसमें क्या होता है, जब हमने प्रीवियस वाला देखा इंक्रीमेंटल है इसमें ओनली वन ट्रैक होता है, लेकिन एब्सोल्यूट एनकोडर में क्या होता है मैनी पल्स ट्रैक होते हैं एक ट्रांसड्यूसर डिस्क में, ओके। तो एन एब्सोल्यूट एनकोडर हैज मैनी पल्स ट्रैक ऑन इट्स ट्रांसड्यूसर डिस्क, बेसिकली इंक्रीमेंटल में एक ही होता है लेकिन इसमें क्या होते हैं मैनी पल्स
कई सारी पल्स ट्रैक होते हैं ट्रांसड्यूसर डिस्क में। तो जब डिस्क व्हेन द डिस्क ऑफ ए एब्सोल्यूट एनकोडर रोटेट सेवरल पल्स ट्रेन इक्वल इन नंबर टू द ट्रैक ऑन द डिस्क आर जनरेटेड। तो जब हमारा डिस्क रोटेट करता है, क्योंकि इसमें क्या होती है मैनी पल्स ट्रैक, कई सारे पल्स होते हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर डिस्क में होते हैं। तो जब डिस्क हमारा रोटेट करता है तो जब डिस्क जो है एब्सोल्यूट एनकोडर का रोटेट करता है तो सेवरल पल्स ट्रेन जो है वो जनरेट होंगी और वो इक्वल होंगी किसमें, नंबर टू द ट्रैक ऑन द डिस्क। ठीक है, तो कई सारी पल्सेस हैं, कई सारी सेवरल पल्स ट्रेन हम लोग क्योंकि बोल रहे हैं इस तरह, क्योंकि जो पल्स होती है बेसिकली क्या होती है, यही तो होती है पल्स सिग्नल। तो बहुत सारी पल्स ट्रेन है वो इक्वल होंगी किसमें, नंबर में किसके, तो सेवरल पल्स ट्रेन इक्वल इन नंबर टू द ट्रैक ऑन द डिस्क। बेसिकली कई सारी पल्सिस ट्रेन वो इक्वल होंगी नंबर में और वो ट्रैक होंगी कहाँ पे, डिस्क में, जो कि जनरेट होंगी। तो कई सारी पल्सेस यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है वो, और नंबर में इक्वल होंगी, और जो ट्रैक डिस्क पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कई सारे पल्स ट्रैक जो है ट्रांसड्यूसर डिस्क में होते हैं। एंड पल्स विंडो ऑन द ट्रैक, यही है पल्स विंडो ऑन द ट्रैक कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू सम पैटर्न। ठीक है, जो पल्स विंडो होता है ट्रैक पे वो क्या कर सकता है, वो ऑर्गेनाइज होता है कुछ पैटर्न्स में, जैसे कि कोड हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि द पल्स विंडो ऑन द ट्रैक कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू सम पैटर्न दैट इज कोड। यानी जो पल्स विंडो है हमारी वो ट्रैक पे, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि कुछ पैटर्न वहाँ पे हमें दिखें, बेसिकली कोड दिखे, यानी कि कोड, क्योंकि ये क्या है हमारा डिजिटल ट्रांसड्यूसर है, बेसिकली 0-1 के बीच हमारा जो है कोड दिखे, सो दैट ईच ऑफ दीज बाइनरी नंबर। तो जाहिर सी बात है जो भी आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोड, तो वो क्या होगा बाइनरी में ही, 0 या 1, तो बाइनरी नंबर वो किसके करेस्पॉन्ड होगा, जो एंगुलर पोजीशन होगा एनकोडर की। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी जो होगा उसके करेस्पॉन्डिंग, तो हर एक जो बाइनरी नंबर होगा उसके करेस्पॉन्डिंग वो एंगुलर पोजीशन, जैसे मान लीजिए एक कोई 1 है, 0 है, 1011, ऐसे हमें कोई पैटर्न मिल रहा है तो उसकी हमें क्या एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी एनकोडर डिस्क की उस टाइम पे। तो जब एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर डिटेक्ट होगा, कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है, मान लीजिए इस तरह भी हो सकता है ये, और ये कोई बाइनरी नंबर क्या है, ये डिटेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर कोई भी बाइनरी नंबर, तो उस पे हम क्या है उसका एंगुलर पोजीशन हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये एंगुलर पोजीशन हमें इसका पता चल जाएगा एनकोडर डिस्क का उस टाइम पे जब एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर हमें डिटेक्ट होगा। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल एनकोडर एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की हम बात करें, एडवांटेज पहला क्या है कि दे गिव अ ट्रू डिजिटल आउटपुट, पहला एडवांटेज क्या है कि इससे हमें क्या मिलता है, जो आउटपुट मिलता है डिजिटल वो ट्रू होता है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन इज कॉम्पैक्ट, द कंस्ट्रक्शन इज कॉम्पैक्ट, एंड थर्ड वन इज नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इज इन्वॉल्व देयरफोर द प्रॉब्लम ऑफ वियर एंड
वियर एंड टीयर आर नॉट प्रेजेंट. ओके, तो इसके तीन एडवांटेज हैं. जैसे आप देख रहे हैं, पहला है दे गिव अ ट्रू डिजिटल आउटपुट. इससे हमें जो आउटपुट मिलेगा डिजिटल वो क्या होगा, ट्रू आउटपुट होगा. कंस्ट्रक्शन इसका कॉम्पैक्ट होता है, द कंस्ट्रक्शन इज कॉम्पैक्ट. थर्ड वन है नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इज इन्वॉल्व. कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है वियर एंड टीयर. ओके, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, देयर फोर द प्रॉब्लम ऑफ वियर एंड टीयर आर नॉट प्रेजेंट. तो जो वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है. डिसएडवांटेज की बात करें हम, पहला तो है कि ये एक्सपेंसिव होता है. एंड सेकेंड, लाइट सोर्स बर्न आउट. ओके, तो दो इसके डिसएडवांटेज हैं. जैसे आप पहले देख रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव होता है, फर्स्ट थिंग इट इज एक्सपेंसिव, सेकेंड थिंग लाइट सोर्स बर्न आउट. ओके, तो लाइट सोर्स है वो बर्न आउट हो सकता है यहाँ पे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि ऑप्टिकल एनकोडर. तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है, ऑप्टिकल एनकोडर में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं. तो अब हम नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.